अस्सलाम वालेकुम जी, अभी अरशद शरीफ साहब की तदफीन नहीं हुई, उनको अभी मनो मट्टी तले दफन नहीं किया गया, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक इंतहाई अफसोसनाक रीट्वीट सामने आई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ना सिर्फ उनके खिलाफ ट्रेंड्स बन रहे हैं और बहुत से जो जैयद सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, वो उनसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं और उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि काइंडली वो अपनी इस ट्वीट को जो है वापस लें या इसको डिलीट करें। वो ट्वीट है कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें एक शख्स ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहता है कि कहना तो नहीं चाहिए था मगर ये फितना इमरान और उसके यूथियों के लिए खबर। ये एंकर कहता था, ये एंकर यानी अरशद शरीफ, नवाज शरीफ ने अपनी मरहुमा माँ को पार्सल करके भेजा है। इस एंकर ने बहुत प्रोग्राम किए जिसमें दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज देखें वो वक्त खुद इस एंकर पर आ गया, जबकि उसने जो नीचे तस्वीर लगाई है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें ताबूत है, ताबूत के अंदर अरशद शरीफ साहब की जो मैयत तो है पड़ी है, जिसके ऊपर उन्होंने रीट्वीट किया है और रीट्वीट के अल्फाज हैं, आई डोंट फील गुड रीट्वीटिंग दिस बट दिस इज़ अ लेसन फॉर द मैनकाइंड डैट वी मस्ट ऑल एम्बाइड। अब ये मतलब इसका मतलब जो भी है आप अपने अपने ताई ले लें, आप ये मौका है बात करने का या कोई इस तरह की बात अगर कोई हुई भी है। अव्वल तो मैं आपको बता दूं, अरशद शरीफ साहब ने इस तरह की कोई बात अपनी ज़िंदगी में नहीं की और उनके जो ट्वीट्स हैं वो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उनकी जो बेगम हैं जवेरिया सदीक साहिबा, उन्होंने बड़ा खासे गमे गुस्से का इजहार किया है और बड़ा रिएक्शन दिया है, रिबर्टल दिया है मरियम नवाज़ को, और उन्होंने कहा है कि शर्म करो और उनका नाम जो है उन्होंने मुखातिब किया है, और साथ उन्होंने वो ट्वीट्स अपने भी शेयर किए हैं, अरशद शरीफ साहब के भी शेयर किए हैं, जिसमें वो कुलसूम नवाज साहिबा के लिए दुआएं किया करते थे, ट्वीट्स किया करते थे, और एक नहीं है बेशुमार हैं, और अपने प्रोग्राम्स में भी उन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा से मुतल्लिक जो हैं वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो हो सकता है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक इंफॉर्मेशन पहुँची हो या उनको जो फैक्ट्स दिए गए हों वो ठीक ना हो, या उन्होंने उसकी इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन ना की हो, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ये ट्वीट कर दिया हो, तो ये मौका नहीं है बिल्कुल भी। और एक शख्स जो इस दुनिया से चला गया है उसके बारे में तो कहा भी ये जाता है कि उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अगर उसने कोई ऐसी कर भी दी है, इवन दो कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर मुजीबुर्रहमान शामी साहब समेत, कामरान खान समेत जितने भी बड़े एंकर्स हैं और वो भी ट्विटर पर जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और वो एक मतलब आला पाया के लीडर हैं, उनको ये चीज़ जेब नहीं देती, और इस तरह के मौके पर इस तरह की बात करना जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब है, उनके बच्चों पर और उनकी बीवी के ज़ख्मों पर नमक पाशे के मुतरादिफ़ है। तो काइंडली अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वीडियो को हमारी देख रही हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी ट्वीट को डिलीट करें, और कम अज़ कम अगर आप उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं कह सकती तो इस तरह के अल्फाज कहने से भी इज्तनाब करें। थैंक यू।